हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। और कुवैत इलाइट T20 कप के एक और महामुकाबला मैच पर जो खेला जाएगा कुवैत एमरेंगिंग वर्सेज NSM इन्वेस्टमेंट्स के बीच में। अब देखो, ये मैच हम लोग के लिए खास रहेगा क्योंकि जिस तरह से पिछले मैचों में हम लोगों ने अच्छी टीम बनाई गई है और अच्छा खासा प्रॉफिट वाली टीम लेकर गए हैं ना, आज के मैच में भी हम लोग अच्छा खासा टीम बना करके जाएंगे और बेहतरीन परफॉर्म करके जाएंगे। आपको क्या करना होगा, आपको बस वीडियो को अच्छे से वॉच करके जाना है। अगर आप यहाँ से वीडियो को अच्छे से वॉच करके जाओगे ना, तो कमाल का टीम लेकर के जाओगे भाई, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलती है बैक टू बैक कमाल की टीम और अच्छी खासी प्रॉफिट वाली टीम देखने को मिलती है। क्योंकि यहाँ पर हम लोग कवर करते हैं, चाहे वो GL हो या फिर SL हो या फिर हेड टू हेड हो, सभी में अपनी टीम की रैंकिंग अच्छी जाएगी, ठीक है ना। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अगर अच्छा रैंक फिनिश करना है आपको और अच्छी टीम बना करके जाना है, विनिंग वाली टीम लेकर के जाना है, तो देखो आपको ना कुछ खिलाड़ी पर ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे मान लो ट्रम्प कार्ड खिलाड़ी, पंटर खिलाड़ी और गेम चेंजर खिलाड़ी, ठीक है ना, ये खिलाड़ी आपके टीम में होने चाहिए जिससे कि आपकी टीम स्पेशल बन सके और आपकी टीम रैंकिंग बढ़ सके। तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, साथ में बात करेंगे हम लोग टीम कैसे बनाएंगे, कैप्टन वाइस कैप्टन किस तरह से लेके चलना है, कौन से खिलाड़ी हम लोग के लिए कैप्टन वाइस कैप्टन के काम आएगा और गेम चेंजर पिक कौन सा होगा बेस्ट खिलाड़ी के तौर पर। लेकिन आपको सबसे पहले भाई देखो, अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम को ज्वाइन करके नहीं रखा हुआ है तो देर मत करो भाई, फटाफट से टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, क्योंकि टेलीग्राम पर मिलती है आपको बैक टू बैक क्लीन स्वीप वाली टीम और ऐसी टीम ना जो आपके लिए वाकई अच्छा खासा प्रॉफिट करके दे सके और बैक टू बैक कमाल की टीम दे सके। यहाँ पे कैसे आना है, जो वीडियो देख रहे हैं इसके डिस्क्रिप्शन में ही आपको लिंक मिल जाएगा और लिंक पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप आ जाएंगे टेलीग्राम पर। और टेलीग्राम पर जब आएंगे ना भाई, तो आपको यहाँ पर बैक टू बैक क्लीन स्वीप वाली टीम देखने को मिल जाएगी जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर मिलती है आपको कैप्टन वाइस कैप्टन का कॉम्बिनेशन और तगड़ी से तगड़ी प्रॉफिट वाली टीम। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम पर आ जाओ। चलो अब बात करते हैं ना आज के मैच के बारे में जो खेला जाएगा KMSS वर्सेस NCMI के बीच में। और सबसे पहले हम लोग का जो फोकस रहेगा आज के मैच में ना, वो रहेगा पिच पर, पिच कैसा है, कंडीशन कैसा रहेगा, बैट्समैन को सपोर्ट करेगा या फिर बॉलर को, उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर कैप्टन वाइस कैप्टन भी लेके चलेंगे। ऐसे कैप्टन वाइस कैप्टन जो अपने लिए आज के मैच के ना बेस्ट पिक रहेंगे कैप्टन वाइस कैप्टन का, ठीक है। साथ में हम लोग बात करेंगे कौन से खिलाड़ी होंगे जो अपने लिए ना काफ़ी अच्छा परफॉर्म करके जा सकता है, तो उसको भी लेके चलेंगे और कुछ स्टेट कुछ एनालिसिस पर बात करेंगे। चलिए जहाँ तक बात कर ले कुछ स्टेट कुछ एनालिसिस के बारे में, तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा रिसेंट लास्ट 5 मैचों का बात कर ले तो KMS ना 5 मैच खेल गई है और भाई 5 मैच लॉस करके जा रही है। और NCMI का जहाँ तक बात कर लें तो 5 मैच है, 5 मैच में से देखोगे तो आपको ना भाई देखने को मिल जाएगा 3 विन करके जा रही है, 2 लॉस करके जा रही है, तो इनका भी कुछ खास परफॉर्म आपको नहीं देखने को मिलेगा। हालांकि इनके तुलना में बेहतर परफॉर्म है, लगातार 3 मैच जीत के आ रही है, तो ये टीम आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिल सकती है। ये मैच ना खेला जाएगा आपको सुलेबिया क्रिकेट ग्राउंड कुवैत में और कुवैत का जो पिच रहेगा वो रहेगा बैलेंस ट्रैक, प्रेशर के लिए काम करेगा और बारिश होने की संभावना थोड़ी बहुत आपको देखने को मिल सकते हैं। एवरेज रन 145 है, हालांकि ठीक ठाक एवरेज आपको देखने को मिल रहा है, 55 विकेट गिरा हुआ है इस पेस पर, पेसर को 29 और स्पिनर को ना देखोगे तो 26 विकेट मिले हुए हैं, तो पेसर पे फोकस रखे चल सकते हो। हेड टू हेड में 1 मैच है और NCMI वो जीत के जा रही है, तो कि काफ़ी अच्छी टीम भी है। और देखो हेड टू हेड का बात कर ली हम लोग, अब आज के मैच में कुछ टॉप खिलाड़ी परफॉर्म रह सकते हैं, जैसे आपको एच किशोर, यू अब्बास और यहाँ पर के शरीफ देखने को मिल सकते हैं। NCMI की तरफ से आपको एस खान, एन राजेंद्र देखने को मिल सकते हैं और एन लतीफ़ देखने को मिल सकते हैं। इनका परफॉर्म अच्छा खासा रह सकता है और आप लोग ना इसे अपनी टीम में लेकर के चल सकते हो, जो कि आपके लिए बेस्ट पिक रहेंगे और टॉप खिलाड़ी के पर्पज़ से लेकर चल सकते हो, ये भी काफ़ी ठीक रहेंगे। और देखो जहाँ तक बात कर ले ना हम लोग यहाँ पर बात कर ले बैटिंग ऑर्डर का, तो के शरीफ आपको पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर आपको एच किशोर और तीसरे नंबर पर आपको एम सेरोड देखने को मिल सकते हैं। और NCMI की तरफ से आपको पहले नंबर पर एन राजेंद्रन और यहाँ पर असी आंटो देखने को मिल सकते हैं, तीसरे नंबर पर एन लतीफ़ देखने को मिल जाएंगे, तो इनका बैटिंग ऑर्डर कुछ इस प्रकार रह सकता है। अब देखेंगे हम लोग आज के मैच में कैप्टन वाइस कैप्टन किसे करके चलेंगे, कौन से खिलाड़ी हम लोग के लिए ना कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और उनका परफॉर्म बहुत तगड़ा रहने वाला है। तो भाई कुछ ऐसे ही खिलाड़ी देने वाले हैं, जैसे मान लो कि हम आपको 4 खिलाड़ी देंगे और ये 4 खिलाड़ी को कैसे यूज करना है वो देख लो। टीम वन में क्या करना है आपको, ए अब्बास को और यू अब्बास को, ये 2 खिलाड़ी को ना कैप्टन वाइस कैप्टन करके चलो। दूसरे टीम में क्या करना आपको, एन राजेंद्र को और यहाँ पर मुथुकट को, ये 2 खिलाड़ी को कैप्टन वाइस कैप्टन करके चलना दूसरी टीम में। टोटल हमने आपको यहाँ पर 4 खिलाड़ी दिया है और ये 4 खिलाड़ी आज के मैच के बेस्ट पिक रहेंगे कैप्टन वाइस कैप्टन का, तो इसे ना जरूर जरूर इस्तेमाल करना, आपके लिए काफ़ी बेहतर और अच्छा परफॉर्म देखने को मिल जाएगा। और ये खिलाड़ी आज के मैच के ना भाई बेस्ट पिक हैं, तो जरूर से जरूर इसे लेकर चलना कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए, काफ़ी अच्छा परफॉर्म भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और इनका परफॉर्म अगर बात कर लें तो देखो, एम
बात कर ले अनुदीप का तो 9 मैच है 77% ड्रीम टीम है, पिछले मैचों में 76, 77, 113 पॉइंट लगातार अच्छा पॉइंट आ रहा है, तो वीसी के पर्पज से जा सकते हो या फिर कहे तो आप कैप्टन के लिए भी जा सकते हो इस खिलाड़ी की तरफ, दोनों के लिए अच्छा परफॉर्म आपको देखने को मिल जाएगा। और एन राजेंद्र का जहाँ तक बात कर ले 7 मैच 71% ड्रीम टीम है, पिछले मैचों में लाजवाब परफॉर्म आपको देखने को मिला था बैटिंग और बॉलिंग दोनों छोर से 178 पॉइंट 134 पॉइंट और फिर देखोगे 89 पॉइंट, तो कैप्टन के लिए चले जाना, कैप्टन के लिए काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे ये खिलाड़ी। और देखो यू अब्बास को अपने टीम में ना बीसी के तौर पे जा सकते हो, बीसी के लिए काफ़ी खतरनाक है ये खिलाड़ी, बीसी के लिए हम लोग सजेस्ट करेंगे तो इसे अपने टीम में बीसी के पर्पज़ से ही इस्तेमाल करना। और जहाँ तक बात कर ले ए अब्बास का तो इनका भी परफॉर्म ठीक ठाक है, इसको भी बीसी की तरफ हम लोग लेके चलेंगे। चलिए अब देखते हैं हम लोग टीम कैसे बनाएंगे, कैप्टन वाइस कैप्टन कॉम्बिनेशन कैसे करना है वो जरा सा देख लेते हैं। तो फिलहाल हम लोग ना यहाँ पर भाई 7-4 का कॉम्बिनेशन लेके चलेंगे और इसमें से विकेट कीपर के तौर पे 2 विकेट कीपर एन हुसैन को, असी वेलकर को, बैटर में 4 बैटर यूज करेंगे, के शरीफ को, आर कृष्णकर को, ए अब्बास को और यू अब्बास को, ऑलराउंडर में 4 ऑलराउंडर यूज करेंगे, एम शरीफ को, एम प्रसन्न को, एन राजेंद्र को और यहाँ पर टी डॉन को, ठीक है ना। बॉलर में 1 बॉलर यूज करेंगे एम ए मुथुकंट को। और फिलहाल कैप्टन हमने यहाँ पर एन राजेंद्र को, वाइस कैप्टन ना एम प्रसन्न को बना के रखा हुआ है, हालांकि देखोगे तो ये फाइनल टीम नहीं है, फाइनल टीम ना हम आपको टेलीग्राम पर ही देंगे, तो आपको फटाफट से टेलीग्राम ज्वाइन करना है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम पर आ जाओ, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।